नमस्कार, आपका स्वागत है बीबी न्यूज में। हाल ही में दंगल ने दुनिया की टॉप 5 नॉन इंग्लिश फिल्मों में जगह बनाई है। फिल्म अपने बजट 75 करोड़ रुपए की 26 गुना कमाई 1961 करोड़ रुपए कर चुकी है, लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसी भी फिल्म आई है जिसने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट की 100 गुना कमाई की और आज तक इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। हम बात कर रहे हैं 30 मई 1975 को रिलीज हुई फिल्म जय संतोषी माँ की। महज 5 लाख रुपए में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। यह वही साल था जब बॉक्स ऑफिस पर शोले और दीवार जैसी बड़े स्टार्स से सजी फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन बिना किसी बड़ी स्टार कास्ट के जय संतोषी माँ ने सिल्वर स्क्रीन पर गोल्डन जुबली मनाई थी। विजय शर्मा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अनिता गुहा, कनन कौशल, भारत भूषण और आशीष कुमार ने अहम रोल प्ले किया था। जय संतोषी माँ की रिलीज के वक्त के किस्से भी बहुत रोचक हैं। ऐसा ही एक किस्सा शेखर सुमन ने अपने शो लाइट कैमरा और किस्से में शेयर किया था। शेखर के मुताबिक फिल्म की थीम धार्मिक थी और जब लोग इसे देखने सिनेमा हॉल जाते तो जूते चप्पल बाहर उतार देते थे। पटना बिहार के एक शख्स ने इसे अपनी कमाई का जरिया बनाया। उसने एक थिएटर के बाहर जूते चप्पल संभालने के लिए स्टॉल लगा लिया। लोग आते, अपने जूते चप्पल वहां रखते और खुशी से चबनी और ठंडी उस शख्स को दे जाते। कहा जाता है कि फिल्म की उतरते उतरते उस शख्स ने करीब 1.70 लाख रुपए की कमाई इस तरह से कर ली थी। जय संतोषी माँ की कहानी जितनी लोगों को पसंद आई उतने ही इसके गाने भी पॉपुलर हुए थे, जिनके लिरिसिस्ट कवि प्रदीप थे। प्रदीप को सॉन्ग मेरे वतन के लोगों के लिए जाना जाता है, जिसे 27 जनवरी 1963 पुणे के को एक कार्यक्रम में जब लता मंगेशकर ने गाया तो वहां मौजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रो पड़े थे।